हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। लास्ट क्लास में स्वतंत्रता आंदोलन में स्पेशली 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें की भूमिका किन की थी, पीर अली पटना सिटी में, फिर व्यक्ति विशेष में, और यहाँ है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के संदर्भ में जैसा कि क्वेश्चन दिया था, तो जिला के स्तर पर हो जाएगा पटना जिला, उस समय पटना जिला था और उसमें आरा क्षेत्र से, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 150 में 150 कट ऑफ नहीं जाता है, और ऐसे में कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल रहते हैं, बीपीएससी को भी कई बार क्वेश्चंस हटाने पड़े हैं, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरा भी दे सकते हैं, पटना भी दे सकते हैं, अब वो क्या मानता फिर अगले बार क्या मानेगा उस पर डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्षेत्र विशेष दे दिया तो, हाँ क्षेत्र विशेष दे दिया तो आरा देना है, जिला दे दिया कि उस समय का जिला, समकालीन जिला, तो पटना हो जाएगा। तो 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह को दबा दिया गया। ये आप लोगों ने आप लोग मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह की विफलता, फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड द बैकग्राउंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि कब तैयार होती है, जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो सेम थिंग हियर, यहां भी वही चीजें हैं, बिहार इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक भाग है, इसीलिए जो भारतीय इतिहास की जो चीजें हैं वो बिहार के इतिहास में भी शामिल है। और तब स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेके 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक ये उदारवादी चरण है, ये मॉडरेट फेज है। फिर 1905 से 1919 तक की जो स्थिति है ये क्या है, रेडिकल, जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, यहाँ पर रेडिकल नेशनलिस्ट हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं। और इसके बाद 1919 से गांधीवादी फेज शुरू होता है, गांधीयन फेज शुरू होता है, गांधीवादी 1947 तक। तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस फेज में तो आप देखेंगे लिबरल फेज जो है, मॉडरेट फेज जो है, इसमें बिहार का बहुत अधिक रोल नहीं है। बिहार का रोल जो शुरू होता है इसमें रेडिकल वाले पार्ट में, ये खुदीराम बोस की स्थिति है, या फिर बिहार में भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये सब अधिवेशन हो रहा है 1905 के बाद। 1905 से पहले बिहार की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में उस प्रकार की नहीं है। और 1919 से 1947 तक तो ये गांधीयन फेज, तो इसमें पूरा पार्टिसिपेशन है बिहारियों का, तो बिहारियों का जो है सो की भागीदारी इस फेज में अधिक है। स्पेशली देखिएगा कि गांधीवादी जो अनेक नेता बिहार के हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के जो भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर आप ब्रजकिशोर प्रसाद बोलिए, अनुग्रह नारायण सिंह बोलिए, तो ये लोग जितने लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है गांधीयन फेज में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये स्थिति है आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो यहाँ पर बिहार की भूमिका कम नजर आती है, मतलब बिहार की भूमिका उस प्रकार की नहीं है। तो बिहार की जो भूमिका होती है 1900 के बाद, यानी 20वीं सदी की शुरुआत से, फिर बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, इससे पहले 1857 का विद्रोह यहाँ दबा दिया गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज सप्रेस्ड, तो यहाँ दबा दिया गया। विलियम टेलर थे जिसने कि बिहार में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1857 के विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हालांकि आयर के साथ हुआ था जो युद्ध हुआ था, किसका, कुंवर सिंह का ना, लेकिन उसमें जो है सो कुंवर सिंह ऐसे तो जीत गए, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो है सो
अमर सिंह ने नेतृत्व किया और इस तरह से 1857 का विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके अंतर्गत 1900 नहीं, अमर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार ही ना थे, ये कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह के प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि फिर छोटा छोटा सा फैक्ट पे मत परेशान मत होइए। वही मैं बोल रहा हूँ, पटना आरा के चक्कर में नहीं पड़ना है। पता चला पटना आरा करते रह गए, 8-10 पॉइंट छूट गया, ठीक है, तो उस पर एक पॉइंट पे फंसना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ 150 है, 150 में कितना जाता कटअप, जब इतना थोड़ा बहुत बोला जाता है कि पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि क्वेश्चन आउट हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि क्वेश्चन आउट हुआ, और उसमें बोला जाता है कि 108 कटअप गया जनरल का, तो वो स्थिति, वो रेयर स्थिति है, अदरवाइज 100 के आसपास कटअप जाता है। और ऐसे में जो मैं जो बोल रहा हूँ 100 के आसपास कटअप जाता है, अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अगर आप कंफ्यूजन में ही भी तो गलती होती है, आप तो ह्यूमन एरर से भी गलती होती है, तो फिर अगर किसी फैक्ट पर विवाद है उस पर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि बाकी फैक्ट को पढ़ा जाए। यही चीज है, यही कारण है कि देखिए ये ग्रुप डी वाली तैयारी मत कीजिए, आपस में पता चला क्या कि मुसल्ला पुराट में आपस में लड़ रहे हैं कि ये फैक्ट सही है, ये फैक्ट सही है, और उसी में 2 दिन बीत गया। तो यही से IAS की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ इस स्तर पर तैयारी करते हैं, तो वहां पर वैचारिक स्तर पर में भी हो सकता है। हर देखिए कुछ चीजें क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव होती है, कुछ भी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, तो सब्जेक्टिव जो चीजें हैं वो छोड़ दीजिए स्कॉलर्स पर, उनका जो व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग। UPPCS में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर बाद में देखिएगा एक बार जवाब उसका कुछ और हुआ माना बोर्ड, ये PCS ने बाद में फिर इसी को कुछ और मान रहा है बाद में किसी, और यही कारण है कि आप देखिएगा घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन में दिया रहता है बी और सी दोनों इस तरह से रहता, तो उस आयोग ने ये आंसर माना ये है, तो इस तरह से, इसीलिए परेशान नहीं होना है, वो एक पॉइंट को पकड़ करके कल से आज हो गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये याद रखिएगा कि यहां तक हम लोगों ने कर लिया था कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, फिर जगदीशपुर आरा या पटना जिला के अंतर्गत तो जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो कुंवर सिंह, वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में है, अदरवाइज इंडिविजुअल देखा जाए तो पीर अली जो है पटना सिटी से हैं, तो इस तरह से। इसके बाद 1906 में देखिए बाबा जी ठाकुरदास एकदम इस क्लास का मकसद भी यही है कि आप क्लास में आए हैं तो क्लास में पूरी तरह से मेमोराइज कर लीजिए कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की, और उनके क्रांतिकारी विचारों के प्रचार हेतु द मदरलैंड का प्रकाशन किया। द मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया? बाबा जी ठाकुरदास ने 1906-07 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? पटना में हुई। ऐसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? 1897 में, 1897 में, यहाँ हो रहा है 1906-07 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, और उन्हीं की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। आप लोग को पता होगा पहला ट्राई कलर जो फ्लैग है, वो सिस्टर निवेदिता ने ही फहराया था। ट्राई कलर फ्लैग मतलब तिरंगा झंडा सबसे पहले सिस्टर निवेदिता ने फहराया था, वो रामकृष्ण मिशन का ही जो 1906 में हो रहा था कलकत्ता अधिवेशन, तो उसी में। लेकिन पहला राष्ट्रध्वज जो है वो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था 1907 में स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 1906-07 की घटना है, 6-07 में बाबा जी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन किया। तो रामकृष्ण सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पटना इन 1906-07 एंड द मदरलैंड जो पेपर वॉज पब्लिश्ड
पब्लिश्ड फॉर रेडिकल थॉट्स, क्रांतिकारी विचारों के लिए, ठीक है, रेडिकल थॉट्स के लिए, क्रांतिकारी विचारों के लिए मदरलैंड का प्रकाशन किया गया। अच्छा, मुजफ्फरपुर, ये घटना तो आप लोग को पता ही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था, बम फेंका था मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, जज डी एच किंग्सफोर्ड, तो किंग्सफोर्ड जा रहे थे जैसा कि इंफॉर्मेशन था, हालांकि किंग्सफोर्ड नहीं है, और इसमें उनकी पत्नी कैनेडी और उनकी पुत्री मारी गई। तो किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने का प्रयास था, लेकिन इसमें कैनेडी और उनकी पुत्री मारी गई, और इसमें ये कैनेडी जो वकील थे उनकी गाड़ी थी, और इस पर जो है सो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली थी, तो आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे फांसी पर चढ़ाया गया, हु वॉज हैंग्ड, तो कितना 15 ईयर्स था, 18 साल, तो 18 ईयर्स में तो 18 साल है, कहीं कहीं एक दो जगह देख लिया था कि 15 साल, 18 साल है, 18 ईयर्स का, तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी ऑफ, हाँ, हु वॉज हैंग्ड, जिसको कि फांसी पर चढ़ाया गया। और ये क्या था कि प्रिंगले कैनेडी एडवोकेट के वैन पर बम्बार्डिंग किया गया 30 अप्रैल 1908 को, जिसमें कि उद्देश्य था किंग्सफोर्ड की हत्या करना, लेकिन इसमें कैनेडी और उनकी पुत्री मारी गई, कैनेडी एंड डॉटर, नहीं, ये मैगजीन है, द मदरलैंड मैगजीन निकाला गया था, का प्रकाशन किया गया था। चलिए, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते। बिहार का कौन सा जिला था अपर, तो उसमें तो ऑप्शन के अनुसार नहीं रहेगा, ऑप्शन के अनुसार देख ही रहे हैं कि कहां कहां विद्रोह हुआ है, जिला कौन कौन सा है, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां होगा, काहे कि प्रभावित अगर देखा जाए तो प्रभावित यही है, पटना वाला क्षेत्र, आरा वाला क्षेत्र, मतलब कि जो वर्तमान जिला, उसमें तो एक ही जिला जो मुख्य रूप से पटना ही प्रभावित था, और क्या बोले, हाँ, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, चलिए ठीक है, क्वेश्चन वाइज जब डिस्कशन करेंगे ना, तो उस पे करेंगे, अभी हम लोग फैक्ट कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड कोशिश की जा रही है कि इस क्लास में कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, ये ऐसे अपने से भी पढ़ने की, इतिहास तो बिहार का इतिहास है, ज्योग्राफी रहता तो पूरा मैप के साथ में दिखाते कि कहाँ क्या है नहीं है, अब यहाँ पर है कि कुछ फैक्ट्स है जो आपको मेमोराइज करना है, हमारे साथ मेमोराइज कर लीजिए, हमारे बिना मेमोराइज कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए, बलिया के समीप अंग्रेजों को हराने के लिए जगदीशपुर से लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह, ये तो हो गया, अच्छा ये हो गया, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अगला, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन। अभी पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा आज का कि सबसे पहले बाबा जी ठाकुर ना, उसके द्वारा द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई, कहा, पटना में की गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट किया, किंग्सफोर्ड की बग्घी पर जो बम्बार्डिंग का प्रयास किया था, मतलब उसको मारने का प्रयास किया था, जिसमें कैनेडी, वकील कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन कहां, पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, यही है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पटना, पटना में ऑर्गेनाइज किया गया इन 1906 में किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
फिर पटना में ही 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, तो बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, और इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन के बिहार को ने मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन का प्रस्ताव डाला था। तो पहली बार 1908 में अभी तक लेकिन बिहार भाग है बंगाल का ही। अब बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया, इसमें उड़ीसा भी साथ में था। उड़ीसा से फिर बार बार 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया, उड़ीसा को अलग किया गया। तो बिहार का दो विभाजन हुआ है, शुरू में ही मैंने बता दिया था, अगर पहली क्लास आपने की होगी तो प्रथम क्लास में ही यहां मैंने बताया था, बिहार का जो विभाजन हुआ दो बार हुआ, बिहार का विभाजन दो बार हुआ, बिहार का, बिहार अलग हुआ तो बंगाल का विभाजन हुआ, बिहार का विभाजन दो बार हुआ 1936 में और 2000 में। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग किया गया, 2000 में झारखंड को इससे अलग किया गया, ठीक है। तो बिहार का दो विभाजन हुआ और बिहार को अलग किया गया एक प्रांत के रूप में 1912 में। 22 मार्च को घोषणा की गई, 1 अप्रैल को विभाजन किया गया, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो है जो हम लोग पढ़ते हैं कि कब बिहार एक अलग प्रांत बना, तो 1 अप्रैल को बना, 1 अप्रैल क्या नहीं स्टार, हाँ शुरू से नहीं है, वो घोषणा के बाद है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा हुई, कांग्रेसियों की पहली सभा 1908 से ही बिहार के सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड शुरू हुई। और सेपरेट स्टेट बना कब? 1912 में। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1908। और ये बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा कब हुई? 1908 में नवाब सरफराज हुसैन। तो इससे पहले बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई, और इसमें 1908 में सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेसियों की एक सभा हुई और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष इसी के हसन इमाम थे। जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। और इसके कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यही जो बाद में ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे। तो कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरी था किनके पास? तो सच्चिदानंद सिन्हा के पास। अध्यक्ष कौन हुए? हसन इमाम। 12 दिसंबर 1911 को इस दिन दिल्ली शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत संगठित करने की घोषणा साम्राज्ञी ने की, और नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर दो बातें हैं, ये जो 12 दिसंबर 1911 को पृष्ठभूमि बन गई थी, और जो रानी की घोषणा में था कि इसमें जो डिमांड किया जा रहा है कुछ स्टेट्स की, जो डिमांड कुछ जो सेपरेट स्टेट की डिमांड, हालांकि देखिएगा कि बिहार को जब अलग किया गया, इसी समय से आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन शुरू होता है। आंध्र प्रदेश का जो आंदोलन शुरू होता है वो उसी समय शुरू होता है। तो यहां पर वो स्वीकार किया गया था साम्राज्ञी के द्वारा, और फिर जो सेपरेट जो लीगली बोला जाता है ना, लीगली 22 मार्च को घोषणा की गई, और उसके बाद 1 अप्रैल को अलग किया गया। इसी कारण से काफी यहां कंफ्यूजन वाली स्थिति रही थी, लेकिन अब पूरा क्लियर है। बिहार दिवस जब भी पूछेगा तो 22 मार्च देंगे, अब बिहार एक अलग प्रांत बना तो 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित हुआ 1908 में, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को एक सेपरेट स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज करने का प्रस्ताव प्रपोजल रखा गया। 1908 में ही बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो कमेटी का गठन करने के लिए कांग्रेस की जो सम्मेलन हुई थी, सभा हुई थी, तो उसमें नवाब सरफराज हुसैन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे,
और जो कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ उसके अध्यक्ष बने हसन इमाम, पहले अध्यक्ष बने हसन इमाम, दोनों में फर्क है। मतलब कि कांग्रेस की जो बैठक हुई बिहार में, कांग्रेसियों की जो एक सभा हुई उसकी अध्यक्षता किया सरफराज हुसैन खान ने, और जब बिहार कांग्रेस कमेटी बनी तो उसके अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष बने हसन इमाम, प्रथम अध्यक्ष बने हसन इमाम। और इसके बाद फिर 1912 में विधिवत बिहार जो अलग हुआ है वो 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1912 को, क्लियर। अब 1912 में पटना में जब अलग हो गया तो पटना में कांग्रेस की का 27वां सम्मेलन, कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ और इसके अध्यक्ष आर एन माधोलकर ने किया, महामंत्री थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहर उल हक। तो ये 1912 में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। और 1912 के बाद ये पॉइंट तो बहुत बार पूछा हुआ, ये 1916 और 1917 वाला, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, एकदम इसको रट लेना है, काहे कि हमेशा पूछता रहा है। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की एक सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग के अध्यक्ष मजहर उल हक। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो होम रूल लीग आप लोगों को पता है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, किनकी मदद से, बाल गंगाधर तिलक की मदद से, और इसमें बिहार में इसका नेतृत्व किया था मजहर उल हक ने किया था। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की सभा में बिहार में पटना होम रूल लीग की के अध्यक्ष बने थे मजहर उल हक, उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन और मंत्री थे चंद्रवंशी सहाय। अच्छा, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले में दो बार पटना शहर का दौरा किया था। 1918 बेसेंट ने जो ये होम रूल लीग जो प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, और महाराष्ट्र आसपास के एरिया में, नियर अबाउट महाराष्ट्र जो थे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था नेतृत्व होम रूल लीग का, और ऑल ओवर इंडिया में वो एनी बेसेंट थी। मॉडर्न इंडिया भी हम लोग को पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया में फिर ये चीजें आएंगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर वहां पढ़ेंगे तो वो और साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो होम रूल लीग की बैठक कहाँ हुई, 1916 में बांकीपुर में, और इसमें मजहर उल हक अध्यक्ष थे, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष थे, मंत्री चंद्रवंशी सहाय बने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए बिहार में दो बार यात्रा की, तो दो बार पटना शहर की यात्रा किया एनी बेसेंट ने। तो यह चार पॉइंट अभी हम लोगों ने किया, पहला तो यह किया कि 1912 में जब बिहार अलग प्रांत हुआ तो उस समय बिहार का कांग्रेस का 27वां अधिवेशन यहां बिहार में आयोजित किया गया, और इसमें आर एन माधोलकर अध्यक्ष थे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, बिहार में नील की खेती 3 तालुके में होती थी, कुरतौली, खुशकी और 3 कठिया, ठीक है। बांकीपुर में हुआ, बाद में गया में होता है, फिर एक तो वो तो अब झारखंड में चला गया ना, जो रामगढ़ में, तो उस तरह से बाद में जब झारखंड अलग हुआ तो उसमें तो तीन सम्मेलन है ना, हाँ अब दो ही है। मतलब पहले होता था कि अगर 1947 के पहले की, मतलब 2000 से पहले की बात हो, जैसे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ते हैं तो वहां पर 3 तब हो जाता है, और ऐसे अगर होगा वर्तमान बिहार में अगर, तो वर्तमान बिहार में 2, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बिहार में नील की खेती तीन तरीके थे। अच्छा, नील की खेती जो की जाती थी कहां पे, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में भी मुझसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था जैसे देखिए कई बार होता है क्या कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाता है,
तो ज़्यादा स्टडी ज़्यादा कन्फ्यूजन, वहाँ मुझसे पूछ दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था, मैंने बोल दिया रामचंद्र शुक्ल, मैंने बताया रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने बोला कि रामचंद्र शुक्ल, तो मैंने फिर कहा सॉरी सर राजकुमार शुक्ल, फिर उसके बाद जो है नहीं यही चीज़ होता है, यही चीज़ें होती हैं। और एक बार मैं पढ़ाते पढ़ाते देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जब आते हैं तो एक पढ़ाने का की जो लय बनी रहती है तो कई बार मुँह से उल्टे उल्टी चीज़ें भी निकल जाती हैं और मुझे पता नहीं चलता, मैं बाद में वीडियो देखता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जैसे एक बता रहा था कि बिंदुसार ने तीन चीज़ों की डिमांड की थी, तो सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। अब पढ़ाने के लय में मैंने पढ़ा दिया सूखी शराब, मीठी अंजीर और दार्शनिक, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। बस ये देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ाई को जो है ना सो सीरियसली मत लीजिए, कहने का अर्थ है कि नेचुरल गेम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और जहाँ सीरियस हो जाइएगा ना, जहाँ टेंशन लेने लगेगा पॉइंट को लेकर के, वहाँ देखिएगा आपका दो चार और गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नेचुरल रहिए, नेचुरल रहिएगा तो अच्छा कीजिएगा। बीपीएससी नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारा दिमाग में रहता है, और इसी कारण से क्या होता है ना कि आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खास करके देखिए एग्जाम में जाने के बाद मैं बार बार बोलता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या बना के आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कम नॉलेज वाले सेलेक्ट हो गए हैं और ज़्यादा नॉलेज वाले बैठे रह गए हैं, और उसका यही हुआ, दुनिया का महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर माना जाता है लेकिन 99 पर सबसे ज़्यादा आउट हुआ है, क्योंकि उसका ध्यान 100 रन बनाने पर था। अगर केवल खेलने पर रहता तो वो आउट नहीं होता, उसका 100 पे ध्यान चला गया। वैसे ही अगर आपका पढ़ने पर ध्यान रहेगा ना तो फिर रिजल्ट हो जाएगा, और वो रिजल्ट पर ध्यान रहेगा तब रिजल्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से अपने आप को बचाइए, और वही बात मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिएगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचिएगा निगेटिव होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, मन के जीते जीते मन के हारे हार, बार बार मैं बोलता हूँ। तो यही चीज, अब देखिए नील की खेती में क्या था, तीन खटिया व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। तो ये इसमें जो मुख्य रूप से बिहार में नील की खेती के तीन तरीके थे, एक कुरतौली था, दूसरा खुशकी था, तीसरा तीन खटिया था। तीन कठिया पूछता, अब वो एग्जाम वाले पूछने वाले का ना ये है, अब ये क्यों पूछता है, ये तो अजीब सवाल है। हाँ आ रहे हैं 3/20 तीन कठिया व्यवस्था। कुरतौली में देखिए, कुरतौली में क्या होता था, आसामी का खेत, जो खेत होता था वो और घर दीर्घकाल के लिए बंधक बना लिया जाता था, बंधक रख लिया जाता था, मतलब कि उसका खेत है और घर है उसको बंधक बना लिया, और उसके बाद उसमें खेती करवाया जाता है, और जब अपना हिस्सा ले करके छोड़ दिया गया। खुशकी में कोटी को रैयत होने वालों के साथ पट्टा होता था, मतलब एक ये लिखा जाता था, क्या बोलते हैं, हाँ बॉन्ड होता था, और बॉन्ड के साथ में तो खुशकी हो गया। तो इसमें क्या है, और तीन कठिया जो व्यवस्था थी, मतलब देखिए ये अपना निर्धारित हो गया रैयत के साथ में, किसान और जो खेती करवा रहे हैं उनके साथ में ये कमिटमेंट होता था, और वो कमिटमेंट तीन तरह का होता था। एक तो है कि पहले हम मतलब कि हम पैसा लगा रहे हैं, एक्चुअली वो पैसा लगा रहा है, तो पैसा लगा रहा है तो उसका प्रोडक्शन चाहिए उसको, और प्रोडक्शन चाहिए तो उस प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पर तीन तरह से, एक कुरतौली हो गया, कुरतौली में उसको बंधक बना लिया और अपना हिस्सा लेके ही छोड़ेंगे। खुशकी में हो गया कि इसके साथ में पट्टा कर लिया और उस पट्टा के हिसाब से, हाँ नहीं खेत और मतलब कहने का अर्थ आप मेरे कंट्रोल में हैं, आप दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है, घर और खेत, ठीक है। और तीन कठिया व्यवस्था में बंधक बना देगा तो फिर वो काम कैसे करेगा। और उसके बाद तीन कठिया व्यवस्था में तीन कट्ठा यानी 20 कट्ठा का एक बीघा होता है, इसमें से तीन कट्ठा में खेती करना होता था। और नील की एक खासियत थी कि नील की खेती जहां की जाती है वहां बंजर हो जाती है भूमि। अब ऐसे में एक बार तीन कट्ठा में जो खेती हुई, अब अगले तीन कट्ठा में जो खेती होगी, मतलब उसमें फिर अगले बार खेती नहीं होगी, अगले बार दूसरे तीन कट्ठा में होगी, फिर उसके बाद अगले तीन कट्ठा में खेती होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा नहीं यूज होगा, लेकिन वही है कि उसको फिर आज ना फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उस समय तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी,
ऐसे वहां अनाज का प्रोडक्शन भी कम हो जाता था। अब भोज धीरे धीरे जो भूमि बंजर हो गई तो उसमें अनाज का भी प्रोडक्शन कम हो रहा, अनाज का प्रोडक्शन कम हो रहा तो भूखे मरने वाली स्थिति हो जाएगी। और यहाँ था कि एक जबरन वाली स्थिति थी, अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती हो, हालांकि गांधी जी आए तो गांधी जी का गुड लक था कि नील वहां बनने लगा, यूरोप में नील बनने लगा, तो इनका गुड लक काम कर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब नील की खेती करने की बाध्यता समाप्त हो गई, आए थे नेतृत्व किए। तो यही होता है कई बार, तो देखिए नेता तो लोग बायलक भी बन जाते हैं, तो ये नेतृत्व में यही ना है कि आपने नेतृत्व किया, सब कुछ आपके फेवर में गया तो आप बन गए, तो ऐसे ही ना बन जाते हैं लोग, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, लोग मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। हाँ, राबड़ी देवी बनी ना मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी बने ना प्रधानमंत्री। अब उतना पढ़ने, अब नरेंद्र मोदी को देखिएगा तो लगेगा कि इतना पढ़ने लिखने का जरूरत ही क्या है, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़े PhD प्राप्त करना है, वहाँ तो अनुभव प्राप्त करना है ना। तो इसी तरह से जो भी हो, मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी थोड़े है कि आपको जो है सो PhD करना है, मतलब आपका समर्थन मिलना चाहिए। तो समर्थन जैसे मिल जाएगा तो PhD वाले तो समर्थन करते हैं, ठीक है। और जो अंगूठा छाप होते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री पद के लिए ये स्थिति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो भी हो। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में उन्होंने नेतृत्व किया, वो आए पहल किए, गांधी जी की भूमिका रही, गांधी जी ने बिहार का दौरा किया, बिहार के लोगों को भी लगा कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पास आ गया है, ये बड़ी बात है। और यही कारण है कि क्या हुआ कि गांधी जी का जो समर्थन मिला, इसके कारण से ये तीनकठिया व्यवस्था, यह जो नील की खेती थी, नील के कृषकों का जो आंदोलन था, ये राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर आया तो इस कारण से इसमें उनकी भूमिका थी, और उसमें कई लोगों ने इनका समर्थन किया। और स्पेशली सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने आने का निमंत्रण दिया था, कहाँ दिया था, लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसमें निमंत्रण दिया था 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ब्रजकिशोर प्रसाद इनके साथ में, ब्रजकिशोर प्रसाद राजकुमार, अच्छा अच्छा पार्टिकुलर प्लेस के अंतर्गत है ना, हाँ गांव, अच्छा ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है, अब पूरा बिहार का देखिए, पूरा बिहार का इतिहास एक दिन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन आंसर पे भी हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे जो प्रीवियस ईयर्स है ना, तो एक क्लास जो होगी प्रीवियस ईयर्स पे भी होगी, अभी पहले, हाँ 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 नहीं वही बात मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन बैंक पे भी हम लोग काम करेंगे, अभी एक बार खत्म करने दीजिए सिलेबस को, एक सिलेबस आपके दिमाग से गुजर जाएगा, कुछ फैक्ट से गुजर जाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे भी चलेंगे। अब क्वेश्चन आंसर पे मैंने क्या कहा, मैंने पहले भी कहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर लोग रिसर्च तब करते हैं जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उससे पहले तक उस पर रिसर्च नहीं किया जाता है। तो यही कारण है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग इसी कारण से कहते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखिए, गांधी जी, तो ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया, और इनके साथ में ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गांधी जी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो गांधी जी ने किया था वो यहीं से किया था। फिर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग को पढ़ना है, तो वहां भी गांधी जी की भूमिका थी। 1915 में आते हैं, फिर उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके कहने पर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और तब जब 1916 में जब इनको आमंत्रण मिला तो ये जाते हैं और यहीं पर तीनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं, और ये पहला सत्याग्रह इनका शुरू होता है भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह के साथ ही शुरू होता है। महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए और तब चंपारण पहुंचे। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। एडवर्ड गेट ने बिहार के उपराज्यपाल जो डिप्टी गवर्नर है वो एडवर्ड गेट थे, उन्होंने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। किसानों की समस्या की जांच के लिए एक समिति बनी, चंपारण एग्रेरियन समिति बनी, तो किसानों की समस्या की जांच के लिए, और इसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया था। गांधी जी वाज ऑल्सो द मेंबर,
और इस समिति के अध्यक्ष थे एफ जी सलाई इसके अध्यक्ष थे। तो गांधी जी 1917 में पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। चंपारण तो गांधी जी रिस्ट चंपारण, ठीक है भाया पटना इन मुजफ्फरपुर, एडवर्ड गेट कॉल्ड हिम फॉर डिस्कशन, तो वार्ता के लिए बुलाया था एडवर्ड गेट ने। और एक जो समिति बनी चंपारण एग्रेरियन समिति, इसके सदस्य गांधी जी भी बने। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ अन्य सहयोगी भी थे, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, तो और भी कई लोग थे, तो ढेर सारे लोग यहाँ पर इनके सहयोगी हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब बिहार में। अब इसके बाद ये जो है चंपारण सत्याग्रह है, और तब राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन जो था गांधी जी का, वो खिलाफत आंदोलन था जिसमें उन्होंने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था वो खिलाफत आंदोलन था। हालांकि गांधी जी के द्वारा किया गया ऑल इंडिया जो अखिल भारतीय जन आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी ने प्रारंभ किया, लेकिन गांधी जी ने भाग लिया तो इसी में फर्क हो जाता है। गांधी जी ने पहली बार किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, तो खिलाफत में, और बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना शौकत अली। खिलाफत पता ही है खलीफा के समर्थन में, खलीफा के समर्थन में। एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो तुर्की के जो खलीफा थे वो इस्लाम के प्रमुख होते थे, और खलीफा को क्या किया, हटा दिया गया शासन से। तुर्की के खलीफा का नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है, अब बहुत सारा फैक्ट है जो नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद पीटी निकल जाता है। तो ये हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विद्वान बनने की कोशिश मत कीजिए, जितना है उतना पढ़ते जाइए। मैंने क्या कहा, 150 में थोड़े ना 140 कटअप जाता है, तो उसमें भी है कि पीटी के असर पर दिक्कत नहीं होती है। चलिए तो देखेंगे बिहार में, अच्छा जिसमें खिलाफत पढ़ाऊंगा ना उसमें बता दूंगा, उसमें सारा डिटेल से बता दूंगा। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना थे। बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो पढ़ाने में ज्यादा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, एग्जाम देने में ज्यादा नहीं करना पड़ता है। आप यूपीएससी जो पास किया है सब लोग हैं, रंजीत सर ही हो गए या किसी हो, तुरंत फैक्ट पूछिए, नहीं मिलेगा जवाब, नहीं मिलेगा। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन रहता है तो हम लोग को एक अनुमान लग जाता है कि ये आंसर होगा। तो ये चीजें हैं, तो एग्जाम देते वक्त एग्जाम देने में उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, ये एक समस्या है। चलिए ठीक है, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। यहाँ एक समस्या ये भी नहीं हो जाता है कि पूछिए सर जवाब नहीं दिए, तो ये भी चीज हो जाता है, और इसके कारण से इसी डर से टीचर को पढ़ना पड़ जाता है। तो बहुत लोग पता है ऑफिसर लोग को बुलाया जाता है ना तो आना ही नहीं चाहते। मेरे एक दोस्त है SDM है, उनको कई बार मैंने कहा, बोले क्या कि अरे कभी ऐसे चीफ गेस्ट में बुला लीजिएगा आ जाएंगे, क्लास व्लास के लिए मत बुलाइए तो बेइज्जती हो जाएगी, सो ऐसी बात बोलते हैं। तो ये चीज है, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं के साथ सम्मेलन हुआ। मुस्लिम उलेमाओं के साथ, उलेमा वर्ग आप लोग मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि जो क्या बोलते हैं, उलेमा वर्ग जो होते हैं ना वो धर्म के जानकार होते हैं, धर्म के जानकार होते हैं, धार्मिक सलाह देने के लिए, जो पहले सुल्तान को बादशाह को धार्मिक सलाह देने के लिए उलेमा वर्ग होते थे, तो वही है। तो जो धर्म के जानकार हैं इनके साथ में इनका सम्मेलन हुआ, किनका, मौलाना शौकत अली का। खिलाफत आंदोलन का के प्रमुख नेता कौन है, मौलाना शौकत अली, जो शौकत अली अली ब्रदर्स थे ना, वो बिहार आए और यहाँ पर फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग के पक्का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि खिलाफत में ही तैयार हो जाती है, खिलाफत में ही, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। तो वो हम लोग ये मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। एक्चुअली जब सरकार से असहयोग करना था तब फिर नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेज वगैरह एस्टेब्लिश किए गए, और इसी संदर्भ में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई। ये 1920-22 का टाइम पीरियड है,
20-22 का टाइम पीरियड है, असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड है, जिसमें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सरकार से असहयोग करना था तो स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया गया और तब ऐसे में नेशनल स्कूल्स खोले गए। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था। तो बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी मत पूछिए, अभी कंप्लीट करने दीजिए, फिर साइंस की भी क्लास आप लोगों की है और उसके बाद फिर सर की भी क्लास है, रंजीत सर की भी क्लास है, तो इसीलिए बाद में क्लास के बाद ठीक है। हाँ वहाँ पूछा कीजिए, वो जो जब हिस्ट्री की क्लास हो रही है ना वहाँ वो पूछिए। बिहार स्पेशल में मतलब मैंने कि आप लोगों के लिए ये तैयार किया, ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा उसके बाद, और इसको जो है ये इतना बड़ा है कि आराम से मोबाइल में आप ये कर सकते हैं, इसको जूम करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ा जा सकता है, इसका हार्ड नहीं पढ़ पाते। देखिए अब आप बोलते हैं कि मोबाइल में पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग मोबाइल से पढ़ के ही भी पीएससी निकाल ली, तो अब नहीं सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर कोई कर सकता है, कहने करते अगर कोई कर रहा है तो टेक्नोलॉजी का आप यूज कीजिए, तब व्हाट्सएप देखने के लिए होगा, फेसबुक चलाने के लिए होगा, लेकिन जो है स्टडी करने के लिए नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य बने, जबकि विद्यापीठ के कुलाधिपति कुलाधिपति चांसलर कौन बने, मजहरुल हक, और कुलपति जो थे वाइस चांसलर कौन थे, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो, और इसकी स्थापना कब की गई राष्ट्रीय महाविद्यालय की, तो 1921 में की गई थी, गांधी जी आए थे जनवरी में स्थापना की गई थी, फरवरी में गांधी जी आए थे इसका ये करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, असहयोग आंदोलन के दौरान, यही असहयोग आंदोलन 1920-22, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, विधायिका चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। क्या हुआ, राष्ट्रीय महाविद्यालय अब बिहार में कहां पर स्थापित किया जाएगा, पटना में, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रिंसिपल बने। मजहरुल हक के द्वारा दीघा पटना के पास मित्र खैरू मियां की जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया था, सदाकत आश्रम, मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया था, तो सदाकत आश्रम का निर्माण दीघा पटना में, पटना में। उसके बाद अगर जनरली नहीं आ रहा है ना, देखिए एग्जैक्ट क्या, एग्जैक्ट अगर कोई प्लेस नहीं आ रहा है तो पटना वाला प्लेस दे सकते हैं, कुछ कुछ चीज है जहां पर देखिए कॉमन सेंस से लोग बना लेते हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो वहां पर थोड़ा सा चलता है, तुक्का भी चलता है, लेकिन तुक्का देखिए वही है आपका गुड लक बैड लक जो होता है, 10 में से अगर 6 प्लस हो गया तो वो पॉजिटिव हुआ, और 10 में से 3-4 हुआ तो वो निगेटिव हुआ, तो 150 में ऐसा होता है कि 8-10 क्वेश्चन जो है सो आपको वहां तुक्का वाला भी चलता है। उसी में देखिए, इसी में मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते रहिएगा ना तो तुक्का भी सही होता है, और दिमाग में निगेटिव चलते रहेगा ना तो वहां भी गलती हो जाएगा, और एक बार जब कोई स्ट्राइक कर गया दिमाग में उसको मार दीजिए, फिर उस पर सोचिए मत, वो बोलते नहीं है दोबारा मत सोचना, ठीक है, तो दोबारा मत बोलना नहीं, दोबारा मत सोचना, ये नियम बना लीजिए। 30 सितंबर 1921 आज से शुरू हो रही है ना प्रैक्टिस, मतलब सेट प्रैक्टिस शुरू हो रही है, तो सेट अगर आप मारते हैं तो सेट मारने, इसीलिए सेट मारते वक्त वहीं पर यहीं पर वो इस्तेमाल कर लीजिए ना, एक बार स्ट्राइक किया मार दिए उसको मत सोचिए, यहाँ तो है नहीं कि इससे आपको नौकरी मिल जाएगी लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यहीं सारा चीज यूज कर लीजिए, वहाँ डायरेक्ट मतलब कि जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है वो टेस्ट में कर लिया जाता है, तो टेस्ट में कर लिया जाता है। चलिए सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया, मजहरुल हक के द्वारा किया गया, और 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, अखबार का प्रकाशन करना आरंभ किया था, तो यहां न्यूज़पेपर है द मदरलैंड न्यूज़पेपर, क्या हुआ, द मदरलैंड न्यूज़पेपर या मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से न्यूज़पेपर निकलना शुरू हुआ ये 30 सितंबर 1921 से, और इसके बाद जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना असहयोग कार्यक्रम और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था, यानी
नहीं पहला नहीं था, पहला नहीं था, इससे पहले भी है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो आए मजारुल हक जो आए हैं, ये आपका किस होम रूल लीग से संबंधित रहे ना, होम रूल लीग से संबंधित रहे, बाद में असहयोग आंदोलन, तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तो हो सकता है कि मेंस के स्तर पर इनसे भी सवाल दे दे, तो इस तरह से अभी अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस के स्तर पर जो बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उस बदलाव में क्या है कि धीरे धीरे यूपीएससी जो बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, और ऐसे भी बिहार का क्वेश्चंस हमेशा से कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा है, और बीपीएससी का जो मेंस है वो उसमें कहना मुश्किल है कि आप कभी अच्छा करके आते हैं तो खराब नंबर आ जाता है, कभी खराब करके आते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, तो वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, उन सब चीजों को लेकर के परेशान नहीं होना, कारण कि अब जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनकी क्या मानसिकता है, किस तरह के मूड में है, तो वो सारा चीज भी मायने रखता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अपने तरफ से बस कर्म करना है, और भगवद गीता का जो वो उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारमन्ये मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, तो उसमें जो है बेहतर कर्म कर पाइएगा और वही टॉप वाली स्थिति रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद 1919 में, 1919 के बाद, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 1909 का जो भारतीय शासन अधिनियम लाया गया, इसके बाद एक बदलाव होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होती है, वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम लोग उत्तरदायी सरकार है, यह अवधारणा बनती है और इसको मूर्त रूप दिया जाता है 1919 के अधिनियम में। अच्छा 1919 का अधिनियम आप लोग को पता है ना किसके लिए लाया गया था, नहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो उसे कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो किसके लिए लाया गया था, वो मुख्य रूप से लाया गया था एनी बेसेंट को संतुष्ट करने के लिए, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग, एक्चुअली एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड इंग्लैंड का पड़ोसी है, जैसे भारत पाकिस्तान है ना उसी तरह से इंग्लैंड और आयरलैंड में रहता है कंडीशन, कारण कि उत्तरी आयरलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा है, जैसे भारत का जो है सो ये पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, और इसी कारण से क्या, तो वहाँ, और चूंकि इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था से अवगत है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने यहां जो आंदोलन किया था ये आंदोलन उग्र रूप ले रहा था, अगर एनी बेसेंट को नहीं रोका जाता तो संभवतः होम रूल लीग आंदोलन से ही हम लोगों को आजादी मिल जाती जिस तरह से उसका विस्तार हुआ था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, और दो व्यक्ति, एक तो वो वेलेंटाइन चिरोल थे, उन्होंने जो है सो इनके बारे में लिख दिया कि भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक के लिए, और दूसरे हो गए एनी बेसेंट, तो वो मानहानि का दावा ठोकने के लिए चले गए इंग्लैंड बाल गंगाधर तिलक, और वहां जब गए तो इधर क्या किया, इनको समझा बुझा दिया एनी बेसेंट को, बोला कि ऐसे अचानक आजादी थोड़े देंगे, धीरे धीरे देंगे, 1919 का अधिनियम देखिए आप बताइए क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, तो अब उनके अनुसार जो है इसमें डाल दिया गया चीजें, अब तब देखिए एनी बेसेंट यहां से हट जाती हैं। 1917 में वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और 1919 के अधिनियम के बाद वो कहीं नहीं है, कारण कि उनको संतुष्ट कर दिया गया, तो उनको संतुष्ट कर दिया गया, तो और 1919 का जब भारतीय शासन अधिनियम आया तो इसी के अंतर्गत आप देखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया, बिहार के गवर्नर बने, वह पहले भारतीय थे जिनको कि क्या किया गया था, गवर्नर बनाया गया था, किसी प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, किसी प्रांत के गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, डॉक्टर ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जिनको कार्यकारिणी में भी जगह मिली थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जगह 1909 में मिली थी, पता है ना 1909, पहले पता है शासन जो भारत का चलता था गवर्नर जनरल के द्वारा चलता था, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी, उस परिषद में 1892 के अधिनियम तक कोई भारतीय नहीं आया था, 1909 के अधिनियम के तहत सातवां व्यक्ति जो विधि सदस्य थे, ये लॉ के जानकार थे तो विधि सदस्य थे, ये बने मेंबर, कार्यकारिणी के मेंबर बने, और इस तरह से कार्यकारिणी के मेंबर बने, और यहां पर याद रखेंगे कि कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हीं को बिहार का गवर्नर बनाया गया, और ये पहले भारतीय थे जिसे किसी प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अंडर द
एक्ट ऑफ 1919 के एक्ट के अंतर्गत, भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, देश बंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में 1922 में हुआ था। चितरंजन दास, सी आर दास, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के गया में 1922 में हुआ था। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया, फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, अच्छी यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो गांधी जी ने निर्णय लिया, या भारतीयों ने निर्णय लिया, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। जो अगला चुनाव जो होने वाला था 1923 में, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और उसके बाद तब क्या हो गया, तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया, और उसी स्वराज पार्टी को अच्छी बहुमत मिली, मतलब अच्छा वोट मिला, क्योंकि कांग्रेस थी ही नहीं। और ऐसे में तब स्वराज पार्टी असेंबली में जा गए, तो स्वराज पार्टी जब असेंबली में गए तो उस समय, ये मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रयास से पहली बार विधायिका का जो क्या अध्यक्ष, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया था, तेज बहादुर सप्रू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब मिल करके बनाए थे क्या स्वराज पार्टी। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो बिहार में भी स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ, यही दो आता है ना, एक तो 1912 में हो गया, एक ही हो गया 1922 में, 1922 में फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अब स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, अब बिहार से पहुंच जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, 1936 में किया था, और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसमें बिहार के गांवों में फैलाने के लिए कार्यानंद शर्मा, क्या हाँ स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, फिर यहाँ आए और यहाँ पे भी यही चितरंजन दास ने, तो फरवरी में इनकी अध्यक्ष, तो चितरंजन दास आए थे ना बिहार ये कांग्रेस के अधिवेशन में, तो यहाँ पर उन्होंने स्वराज पार्टी की का गठन किया था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस अभी ये जो क्लास हो जा रही है इसके बाद एक काम और मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर रहा हूँ, लास्ट में आपको दिखाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन जब होगा तो उसके बाद और स्थिति अच्छी हो जाएगी। अभी फिलहाल है कि जितना ज़्यादा दिमाग में डाल सकते डालिए, 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती, और इसने और इसी के अंतर्गत बिहार के गांव में इसके विचार को फैलाने के लिए कौन थे, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सब वामपंथी नेताओं का सहयोग लिया सहजानंद सरस्वती ने, और इसके द्वारा क्या किया गया कि किसान सभा, और यही किसान सभा, हालांकि इससे पहले अवध किसान सभा की भी स्थापना हुई थी, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही 1936 में की गई थी, 1936 में, ये आ ही गया पॉइंट, 1936 में, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके जो महासचिव प्रोफेसर थे वो एन जी रंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, तो इनके विचारों को फैलाने के लिए कार्यानंद शर्मा, राहुल संकरत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा इत्यादि वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था। कार्यानंद शर्मा, राहुल संकरत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, क्लियर। इसके बाद है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था,
1936 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष बने थे सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव थे, सेक्रेटरी जनरल थे, वो थे एनजी रंगा और सहजानंद सरस्वती, ठीक है। 1935 में, अच्छा 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी प्रयास का परिणाम था कि बाद में देखिएगा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया इंडिया से। तो इसमें कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में नवंबर 1936 में मुंगेर जिले के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। कब? 1936 में ही, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, कार्यानंद शर्मा। इससे पहले जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव 1935 में दिया गया, और 1936 में इसके लिए संघर्ष प्रारंभ किया गया था बढ़िया ताल गांव से, कहा मुंगेर जिले में 1936 से। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की, और सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह वो गांधी जी का तीन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920-22, 1930 से 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़ करके, नमक का निर्माण करके सरकार का विरोध किया गया। नमक चूंकि आम लोगों की आवश्यकता थी, आम लोग उससे संबंधित थे, तो ये जो शुरू हुआ तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की, चंपारण और सारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुई। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कौन था? अंबिकाकांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया, और राम वृक्ष बेनीपुरी गिरफ्तार हुए। तो पटना में शुरू हुआ 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। अंबिकाकांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया, राम वृक्ष बेनीपुरी जेल गए। और ये नमक सत्याग्रह कब से कब तक है? 1930 से 1934। हालांकि उसमें कई उतार चढ़ाव हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे 1930-31 में गांधी इरविन समझौता होता है, फिर उसके बाद जो है सो पूना पैक्ट होता है, तो इस तरह से वहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव। एट लास्ट गांधी जी की एक खासियत थी ना कि आंदोलन जब देखते थे कि आंदोलन अब थोड़ा नरम पड़ रहा है तो उसको छोड़ देते थे, ठीक है। हाँ छोड़ क्या नहीं, देखिए एक चीज है, बोलना बड़ा आसान है, कई बार हम लोग गांधी जी की आलोचना कर देते हैं, लेकिन 20-22 में जो गांधी जी थे, 20-22 में जो गांधी जी थे, 42 में गांधी जी अलग हैं, और वो अलग इसीलिए हैं, लेकिन उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आया, सत्य अहिंसा में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो शिक्षा दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत विस्तृत था, भारत छोड़ो आंदोलन में तो छोड़ दिया था गांधी जी ने, करो या मरो बोल दिया था, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। जब आंदोलन इतना तीव्र हो जा रहा है, इतना विस्तार है, इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब दबा दिया गया। उस समय तो 1920-22 में तो कम लोग थे, अब उस समय उग्र जब हो गई थी पब्लिक, तो उस समय तो इसी बहाने अंग्रेज चाहते तो सबको मरवा देते, सारे लोगों की हत्या करवा देते। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात देखिए, अहिंसा जो है ना, अहिंसा को आप डे टू डे लाइफ में यूज करके देखिए, बहुत मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट इसीलिए मिलेगा, अगर मान लें किसी से झगड़ा हो गया, मारपीट करना शुरू कर दिए, तो नुकसान तो दोनों का होगा ना। और अगर आप उस समय संयम बरत लिए, चलो भाई ठीक है, अगर उसको छोड़ दिए, तो इस कंडीशन में देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि दीर्घगामी होता है, मैंने कई बार यूज किया है और अच्छा प्रतिफल मिला है। तो ये चीज है। तो और कई लोग बोलते हैं क्या कि ये जो है कायरता है, तो कायरता है, लेकिन एक चीज बताइए, जो सहता है वही रहता है। आप जब कायरता की बात करते हैं, इसी कायरता के चक्कर में ना भारत में जो राजपूत शासन था खत्म हो गया, मतलब कहने का अर्थ है कि इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई, मोहम्मद गौरी ने तुर्की शासन की स्थापना यहाँ कैसे हुई, इसी चक्कर में ना कि हम मतलब कि
हार गए, इज्जत चली गई, सुसाइड कर लिए, तो ये चीज हारना, देखिए अगर हार मान लेना, अगर बोला जाता है कि अगर आप ताकतवर हैं और अगर आपने अहिंसा का पालन किया है तो ये आपको महान सिद्ध कर देता है, और अगर अगर मान ले रहे कि कमजोर है तो कमजोर के लिए हथियार हो गया, ठीक है भैया मार लो, कितना मारेगा, मतलब अब जैसे विरोध कीजिएगा तो और लड़ाई होगी, लेकिन अगर बोलिएगा ठीक है मार लो, तो एक बार अगर मारा दूसरा ठीक है मार लो, तीसरा बार अपने लगेगा कि ये तो अभी से मरा हुआ है काहे मार, लेकिन उसका फल आगे बहुत दीर्घगामी निकलता है। और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए तो आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक है, 1930 से 34 तक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी, स्वदेशी संघ, और इसके जो अध्यक्ष थे अली इमाम थे, अली इमाम इसके अध्यक्ष बने थे, सर अली इमाम। इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग में नंगी हड़ताल किया था, सब कपड़ा ही, हाँ कपड़ा ही खोल दिया, तो ये नंगी हड़ताल कहाँ हुआ, छपरा जेल में हुआ था, छपरा जेल में हुआ था। तो ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ, पटना में हुई थी, 1930 में स्वदेशी यूनियन, स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और इसी में कि स्वदेशी की मांग, और इसके अध्यक्ष बने थे सर अली इमाम। सर अली इमाम स्वदेशी संघ के अध्यक्ष थे। स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई, 1930 में, कहाँ हुई, पटना में हुई, और इसके प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, नंगी हड़ताल किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। यहीं पर कहाँ, बेगूसराय में ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, चौकीदारी करके भुगतान से किसानों ने मना कर दिया था, किसानों ने मना कर दिया था, चौकीदारी करके भुगतान से मना कर दिया था। दीप नारायण सिंह इसके बिहार में नियुक्त जो प्रादेशिक डिक्टेटर थे, प्रादेशिक डिक्टेटर थे, जो चौकीदारी टैक्स वसूलते थे, तो उसका जो है सो विरोध किया, चौकीदारी करके भुगतान से किसानों ने मना कर दिया। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आप लोग को पता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था जयप्रकाश नारायण ने, तो लेकिन उससे पहले जो 34 में कहां पर, पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण सचिव थे। 1934 में ही इस समय बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कौन थे, सोशलिस्ट पार्टी, आप लोगों ने देखा था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी गांधीवादी आंदोलन जब आया तो गांधी जी के बहुत बड़े विरोधी जो हुए वामपंथी लोग, जब वो रेडिकल होते हैं, क्रांतिकारी टाइप के होते हैं, तो वामपंथियों ने ही सबसे ज्यादा, और एक चीज आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत ही बैलेंस होकर के एक वामपंथी है जिसने गांधी जी की समीक्षा की है, और वह है विपिन चंद्रा वामपंथी विचारधारा के हैं, लेकिन देखिए गांधी जी का कितना संतुलित वर्णन किया है। तो ये आप जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जानने को मिलेगा। गांधी, देखिए एक व्यक्ति की सीमा हो सकती है, तो वैसा लिमिटेशन उनके साथ भी था, लेकिन वैसा कर पाना सबके लिए संभव नहीं था, और यही कारण है कि वो गांधी जी को महान बना देता है। दिल्ली जाने से पहले मैक्सिमम लोग, जो आईएएस की तैयारी करने से पहले मैक्सिमम लोग गांधी विरोधी होते हैं, युवा पीढ़ी है ना, तो थोड़ा जोश खरोश ज्यादा रहता है, लेकिन जब आप गांधी जी को समझ जाइएगा तो उसका विरोध करना बंद कर दीजिएगा। जब तक आप नहीं जानते हैं तभी तक आप विरोध कर रहे हैं, यानी आप विरोध कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप गांधी जी को नहीं जानते हैं, और जब समझ जाइएगा तो विरोध करना बंद हो जाएगा। और जब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा, सिविल सर्विस में समस्या है, ठीक है। 1934 में इस समय बिहार सोशलिस्ट पार्टी, मतलब आप उग्र विचारधारा के हैं तो स्वाभाविक बात है लेखनी में भी झलकेगा, और लेखनी में झलकेगा उग्र तो आप सुनिएगा ऊपर वाले की बात। अगर ऑफिसर्स, मतलब आप जा रहे हैं किस में, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, अब ब्यूरोक्रेसी में आपको अपने सीनियर की बात माननी है,
गांधी जी वाली विचारधारा नहीं होगी, रेडिकल विचारधारा होगी तो वो आपको सेलेक्ट करेगा, कभी नहीं सेलेक्ट करेगा। तो इसीलिए सिविल सर्विस, हाँ सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करनी तब रेडिकल होइए, नेतागिरी करना है तो ठीक है बहुत अच्छा है, गांधी जी का विरोध कीजिए तो वो नेतागिरी होगा, और वो भी हो सकता है उस नेतागिरी का भी दूसरा प्रतिफल भी मिल जाए। बेगूसराय, बेगूसराय से आता है ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, नहीं नहीं वहां से प्रारंभ हुआ था, ऐसे जनरली पूरे बिहार के लेवल पर ये चीज हुआ। और इसमें जो डिक्टेटर थे वो कौन थे, दीप नारायण शिव थे जो प्रादेशिक डिक्टेटर थे। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कौन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, तो ये सारे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। सोशलिस्ट पार्टी बहुत ही मजबूत, दो चीज देखिएगा, किसान आंदोलन और सोशलिस्ट पार्टी का जो बेस बना था, आधार बना था। और मैंने बताया था कि गांधी, गांधी जी के विरोध में जो वामपंथी विचारधारा आई, तो उस वामपंथी विचारधारा, यानी गांधी जी के विरोध में नहीं, मतलब गांधी जी की विरोधी विचारधारा, एक्चुअली दोनों विचारधारा में कुछ फर्क है जो आप देखेंगे, और कुछ समानता भी है दोनों में। सर्वोदय एक कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया, सर्वोदय, और एक है इनका साम्यवाद। साम्यवाद और सर्वोदय दोनों करता है, दोनों कहता है क्या, राज्य का विरोध दोनों करता है, दोनों बोलता है राज्य की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये सबके उदय की बात करते हैं सर्वोदय में। और साम्यवाद में क्या किया जाता है, मजदूरों और गरीबों, यानी कि जो निम्न वर्ग है, पिछड़े वर्ग, मतलब स्पेशली किसानों और मजदूरों जो उत्पादन में भाग लेते हैं, उनके विकास की बात। साम्यवाद और सर्वोदय की जो विचारधारा है ना, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी, मेंस के स्तर पर बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि गांधी जी से प्रश्न पूछे जाते रहे कई बार, तो और वामपंथी विचारधारा से भी रहा। तो दोनों में क्या, दोनों में राज्य का विरोध है, मतलब ये कहते हैं राज्य की कोई भूमिका नहीं है, यहाँ सब लोग अपना अपना देखेंगे। राम राज्य गांधी जी क्या बोलते हैं, राम राज्य का क्या मतलब है, राम राज्य का मतलब है कि उसमें सब लोग अच्छा हो जाएगा, जो यूटोपिया का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था यूरोपियन वर्ल्ड में, यूटोपिया मतलब एक ऐसा स्टेट जहां सब कुछ अच्छा होगा, तो उसी तरह से यहां पर है राम राज्य का कॉन्सेप्ट लाए। और राम राज्य का कॉन्सेप्ट में गांधी जी का एक थॉट यह भी था कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, मूलतः अच्छा होता है, मतलब वो मूलतः हर आदमी मतलब मूल रूप से अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है, प्रभाव की वजह से, कई तरह के प्रभाव होते हैं जिसके कारण से वो बदल जाता है। तो अब देखिएगा, वामपंथी विचारधारा जब उग्र होने लगा, वामपंथी विचारधारा देखिए कहीं भी वामपंथी विचारधारा जब उग्र रूप लेता है तो वो सत्ता पलटने की बात करता है, वो क्रांति की बात करता है, वो हिंसा की बात करता है। और तब जब इस प्रभाव में लोग आने लगे, तब फिर उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस में भी वामपंथी विचारधारा लाया गया, लेकिन वो लिबरल तरीके से, उग्र नहीं, इसी को सोशलिस्ट विचारधारा बोलते हैं। तो समाजवाद और साम्यवाद में फर्क है, वामपंथ जो है वो साम्यवाद की बात करता है, वो बोलता है सत्ता को हटा दो, मतलब जो जो शोषण करने वाला है उसको हटा दो, लेकिन समाजवाद बोलता है कि जो शोषण करने वाला है उसका, उसको उस शोषण को खत्म करो, वो शोषक को खत्म मत करो, व्यवस्था को खत्म करो। तो ये फर्क होता है, समाजवाद थोड़ा सा उदार है और साम्यवाद बड़ा उग्र है। तो इसीलिए साम्यवाद को, वामपंथ को बैलेंस करने के लिए जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से पहले यहां क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूर ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, बसावन सिंह, क्लियर। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। अब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय जा रहे हैं। तो 1935 का अधिनियम बना तो 1937 में सरकार बनी थी, पता है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में आम चुनाव हुआ था। अब फिर जो है 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद 1945 में चुनाव हुआ था। तो दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, 1937 का चुनाव और 1945 का चुनाव, और उससे पहले 1935 का, देखिए 1935 का जो अधिनियम ना, भारत सरकार अधिनियम, इस भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव आगे भी है, यानी आजादी तक 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पहले तक, या एक तरह से बोला जाए तो आप लोगों को पता ही है भारतीय संविधान का मोर देन 70% पार्ट जो है वो इससे लिया गया, इसका मोर देन 70% पार्ट भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया।
तो 1935 का जो अधिनियम है इसी के अंतर्गत 1937 में चुना हुआ था। कांग्रेस ने बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, कुल 152 स्थानों में से 107 स्थान पर खड़ी कांग्रेस को 98 स्थान मिला, 98 सीट्स वेयर टेकन बाय कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा। तो ये कंप्लीट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत मिला 1937 में जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे 1935 के भारतीय भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई, 152 सीट था कुल, जिसमें 107 पर कांग्रेस खड़ी हुई और 98 पर जीत हासिल हुई। बिहार के राज्यपाल एम जी हैलेट ने 24 मार्च 1937 को कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया, सरकार बनाने के लिए श्री कृष्ण को, किंतु मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन नहीं दिया, अतः श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया। मतलब कि सरकार बनाइए, आइए सरकार बनाइए, लेकिन जो है सो आपकी सरकार होगी, यानी कहने का अर्थ सरकार बना देंगे और बात बात पर हस्तक्षेप करेंगे तो सरकार बनाने का क्या फायदा है, इसीलिए इन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, वही वही बात है, सरकार गिर गई थी, नहीं मतलब इन्होंने इनकार कर दिया था, अब हाँ बनी ही नहीं थी सरकार। तो उसके बाद तब मोहम्मद यूनुस आए, मोहम्मद यूनुस जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के नेतृत्व में 1937 में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ, पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल किसके में, मोहम्मद यूनुस, ये इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, और अतः मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रांतीय सरकार के प्रधान के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसमें प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट था, प्रधान हाँ प्रधानमंत्री था, वही मंत्री का प्रधान हो गया प्रधानमंत्री, तो वो तो बाद में ना आया कि केंद्र में प्रधानमंत्री रहेंगे, राज्य में मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ये कौन बने, मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को ये प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ, हालांकि आमंत्रण दिया था कि श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया था, क्योंकि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में जो भी लीगल जो लेजिस्लेटिव वर्क है मिनिस्टर्स के, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा मांगा था, ये आश्वासन मांगा था, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया गया, तो फिर श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, और तब मोहम्मद यूनुस की के नेतृत्व में, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो उन हाँ इसकी सरकार गिरी थी, इनकी सरकार गिर गई थी बाद में, ये कृष्ण सिंह की सरकार बनी ही नहीं, मोहम्मद यूनुस की सरकार बाद में गिर गई थी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, चूंकि वो आए नहीं, कांग्रेस आई नहीं, तो इस कारण से जो है सो ज्यादा बल तो इन्हीं के पास ना था, ज्यादा सीट तो इन्हीं के पास था, तो इसी कारण से। चलिए, तो मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, और इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कांग्रेस कार्यकारिणी के सरकार के गठन के निर्णय के बाद 7 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, और इसके बाद 20 जुलाई 1937 को फिर से तब श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पहले इनकार कर दिए, यूनुस बने, फिर उन्होंने वो सरकार गिर गई, त्याग पत्र देना पड़ा, और इसके बाद तब श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में गठित, ये मंत्री पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बना वो श्री कृष्ण के नेतृत्व में बना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी निर्वाचित हुए, यानी कि प्रथम कांग्रेसी, अब उस समय क्या था, प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री या अभी के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री, तो वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह कांग्रेसी ऐसे बने थे, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और इसके बाद इसमें अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बने थे श्री राम दयालु सिंह, और उपाध्यक्ष बने थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अक्टूबर 1937 में बिहार की यात्रा की। अच्छा, जिन्ना को हार मिली थी 1937, इस हार से ये बौखला गए। 1937 में जिन्ना को हार मिली, एक्चुअली क्या है ना, हाँ यही कारण है कि अब देखिए 37 से 40 तक की जो स्थिति है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना देख रहे हैं कि मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर ही बर्बाद हो गया,
चौपट हो गया, तभी जाकर के 40 में जाकर देखा कि अब यहां रहने से फायदा है नहीं, तो वो तो अपना अवसरवादी थे। अब यही चीज है कि लोग समझ नहीं पाए, और यही कारण है कि इसका एक कारण और भी है, एक कारण और भी। 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, तो बहुत कम लोगों को जानकारी है कि देखिए पाकिस्तान की मांग किया, लेकिन जिन्ना को पाकिस्तान की मांग से रोका जा सकता था, लेकिन वो 1937 के पहले रोका जा सकता था, 1937 के बाद नहीं। 1937 के बाद की जो स्थिति थी, अब किसी का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दे रहे हैं, वो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमानों का एक नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, और बाद में मुसलमान ही उनको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रभाव है, क्या कि कांग्रेस में एक से एक नेता थे, अबुल कलाम आजाद जैसे नेता थे, फिर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता थे, फिर इसी तरह आसफ अली हैं, तो ऐसे बहुत सारे नेता थे जो कांग्रेस में, जिनका प्रभाव ज्यादा हुआ, और जिसके कारण से क्या हुआ कि जिन्ना को एक जिन्ना का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में चला गया, और यही कारण है उसने पाकिस्तान की मांग की। हालांकि पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने, उस मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में आते हैं बिहार, और इसके बाद 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल ने भी त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि यहां तो था वही पूर्ण आजादी की बात, आप लोग को पता है ना 1929 में 1929 में कंप्लीट स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज नहीं मिलने के कारण तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा दे रही है। तो इसके बाद और इसी समय 26 दिसंबर 1938 को पटना में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को। अच्छा, ये भी चीज भी याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को ही सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का जनक कहा था, एकता का प्रवर्तक कहा था, अब वही मोहम्मद अली जिन्ना अलग राज्य की मांग क्यों कर रहा है? तो अलग राज्य की मांग, और उससे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, अब मोहम्मद इकबाल ने ही सबसे पहले कहा था मुसलमानों के लिए एक अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए। तो आखिर कहीं ना कहीं उपेक्षित हुए, तो उपेक्षित हुए जिसका परिणाम था कि कहीं ना कहीं एक जो पृथकवादी अलगाववादी विचारधारा का जन्म हुआ। ऐसे ही कोई अलगाववादी नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होते हैं, कुछ कारण होंगे उसी कारण से। अब मैं झारखंड में रहा हूं, तो झारखंड में मैंने देखा है कि काफी लंबा समय वहां टीचिंग भी रही मेरी, तो वहां पर मैंने देखा कि अक्सर लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि एमसीसी वाला है एमसीसी, लेकिन एमसीसी में जो लोग जा रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जब उनके लाइफ के बारे में जानिएगा तो आपको लगेगा कि आप भी एमसीसी के मेंबर बन जाते हैं, कुछ इस तरह की स्थिति होती है, तो कुछ इस तरह का शोषण होता है। हालांकि अब धीरे धीरे क्या है, परिस्थितियां बदल रही है, सरकार अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का कमाल है कि जो शोषण, प्रशासकीय जो शोषण है उसमें कमी आई है। अब कोई भी कुछ करता है तो तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है, लोग डर के काम करते हैं, नहीं तो होता था क्या कि ब्यूरोक्रेसी तो अपने आप को जो श्रेष्ठ समझने लगे तो फिर वहां तो समस्या है, क्योंकि हमारी नियुक्ति किसके लिए होती है? जनसेवा के लिए होती है। अगर हम ही अपने आप को समझने लगे, मालिक समझने लगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। तो देखिएगा, तो 26 दिसंबर 1938 को मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहां हुआ? पटना में हुआ, और 29 दिसंबर को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। 29 दिसंबर को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां? पटना में किया गया 26 दिसंबर 1938 को। और इसके बाद अब लास्ट होगा, अभी और कितना पेज है, तो इतना 5, चलिए 5 है, चलिए तो 1938, हाँ चलिए खत्म हो जाएगा, टाइम से खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 11 अगस्त 1942, ये तो आप लोग को पता है, 7 मार्टियर्स जाके देखे है ना, बगल में ही है, उस पार चले जाएंगे, अब तो फ्लाईओवर बन गया है, ठीक है, तो वहां जैसे उतरेंगे तो वहीं पर है। तो
11 अगस्त 1922 को सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में एक विद्यार्थी समूह पटना जिलाधीश डब्ल्यू आर्चर के आदेश पर पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। कौन कौन? उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी। तो ये 7 छात्र मारे गए। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार और देवीपद चौधरी। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम ने सचिवालय गोलीकांड से संबंधित एक शहीद स्मारक का शिलान्यास किया और जिसका अनौपचारिक आवरण 1956 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1956 में अनावरण किया। यही जो अभी हम लोग शहीद स्मारक देखते हैं, तो शहीद स्मारक का शिलान्यास किसने? कि प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने करवाया और इसी का अनावरण किसने किया? प्रथम राष्ट्रपति 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। हाँ, सबके कहाँ कहाँ निवासी? फिर वो नहीं, ठीक है। बिल्कुल पूछने की संभावना रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी चीज पर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अब सातों का कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, तो सिर्फ यहीं पर नहीं है, हर आंदोलन में जो जो लोग हैं, जैसे वहाँ आपने नहीं पूछा कार्यानंद सिंह जो या बाकी लोग जो थे वो नहीं, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब जगह से पूछा जाता जिसमें पूछा जाता क्वेश्चन, इसीलिए हाँ बिल्कुल पूछता है। और जो पूछता है ना, मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। देखिए 5 पेज फिर बतियाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। अब मैंने सोचा था कि कल ही इसको खत्म कर दे, कल खत्म हो जाता तो आज आपके लिए कुछ नया आता, ये नया नहीं आ रहा इसी कारण से, ठीक है। चलिए तो इसको खत्म किया जाए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हाँ सारण अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्लियर? तो एक तो हो गया सचिवालय भवन पर, यह कब? 11 अगस्त 1942। यानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित 7 मार्टियर्स हैं, जो 7 शहीद हैं, 7 छात्र जो शहीद हुए, उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार और देवीपद चौधरी। ये तो कम से कम देखिए, जो सब बनाते हैं वो तो कम से कम नहीं छूटना चाहिए। अब उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा है उसके लिए जब आप रिसर्च करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी, कारण कि 2-4 क्वेश्चन है, छोड़ना भी सीखिए, 2-4 क्वेश्चन छोड़ नहीं। हाँ देखिए, ये नकारात्मक सोच है कि 2-4 क्वेश्चन छोड़ते बहुत क्वेश्चन छूट जाता है। देखिए, नकारात्मक सोच से बचिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप नहीं, बार बार मैं बोलता हूँ कि कम ज्ञान लेकर के सिलेक्शन लिया जाता है, ज्यादा ज्ञान लेकर के रिसर्च किया जाता है। PhD करने नहीं आए हैं तो PhD नहीं करना। चलिए आगे इसको खत्म किया जाए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला पे आते हैं, अगले पार्ट पे। 1942 में मुंगेर जिले में पसराहा और रुईहार में हाँ दुर्घटनाग्रस्त शाही वायुसेना के विमान के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। मुंगेर जिले में मुंगेर और भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए वायुयानों का प्रयोग किया गया था। 1942 में किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण और रामकृष्ण बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये पता भी है, हजारीबाग जेल में बंद हुए थे, वहां से फिर निकल करके नेपाल चले गए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड हो गए थे ना, अंडरग्राउंड होकर के फिर कार्य किया था।
तो 1942 में मुंगेर जिला में पसराहा और उइयार के पास जब दुर्घटनाग्रस्त शाही वायुसेना हुई, अंग्रेजी वायुसेना की जब गिरी, तो उसके जो पायलट थे, उसके जो कर्मचारी थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। मुंगेर और भागलपुर में विद्रोह को, ये भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए वायुयानों का सहारा लिया गया था। और 1942 में ही जो गिरफ्तार हुए थे जयप्रकाश नारायण और रामप्रीक्ष बेनीपुरी का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भागने में सफलता पाई थी। तो जयप्रकाश नारायण के साथ में रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह और भी लोग थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा दी गई, गुरिल्ला वॉर की शिक्षा दी गई। और आजाद दस्ता का गठन किया गया। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार में प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। तो नेपाल में अखिल भारतीय केंद्र बनाया गया आजाद दस्ता का, और बिहार में प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था 1942 में, जब ये हजारीबाग जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, ये सब भागे थे। तो मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और रामप्रीक्ष बेनीपुरी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था 1942 में। इसके बाद नेपाल में 1943 में राजविलास ने जंगल में आजाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर, बना। 25 युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब यहीं पर एक करो या मरो का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, तो अब यहां था लड़ने की बात थी। और यही कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन को दबा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के पास ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा प्रशिक्षित सेना है, और इसी वजह से मैंने एक बात और कहा था कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको दबा दिया गया। अब सोचिए कि 42 की बात है, 22 साल बाद की बात है, जब हम इतने धीरे धीरे संगठित हो गए थे तब दबा दिया गया। तो 22 में तो ऐसे ही दबा दिया जाता। तो यही कारण है यहां पर। तो नेपाल में 1943 में नेपाल में कौन सा जंगल? राजविलास जंगल में, और आजाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर बनाया गया, और बिहार के 25 युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में आग्नेयास्त्र चलाने का, जो फायर इंस्ट्रूमेंट यानी कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस के हाथों मारे गए, जबकि श्याम बिहारी लाल, ये सब कौन है? आजाद दस्ता के मेंबर श्याम बिहारी लाल, फिर ध्रुव कुमार और कपिल मुनि क्रमशः गया के कुर्था थाने, कटिहार थाने और झुमराव में झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए। तो गया के कुर्था थाने, कटिहार थाने और सबसे कम उम्र का ध्रुव कुमार जो है कटिहार का, और ये कटिहार थाना का है, और श्याम बिहारी लाल जो है ये गया से है, और कपिल मुनि डुमराव होना चाहिए ना, तो इसमें झंडा फहराने में झुमराव, इसी का कटिहार का ही दो है ना, कटिहार थाना और झुमराव, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिद्धवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को बाधित किया था। कर्पूरी ठाकुर बाद में इन लोगों ने भी नेतृत्व किया। तो यहां पर याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिद्धवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को नष्ट करने का कोशिश किया, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया। सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया और सुल्तानगंज आदि में था। तो ये सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल, तो इस समय जो
1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो स्थिति थी, तो उसमें आजाद दस्ता मुख्य रूप से एक्टिव है, और आजाद दस्ता के द्वारा जो कार्य किए गए हैं तो उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजविलास जंगल कहाँ? नेपाल में। यहाँ पर 25 युवकों को, बिहार के 25 युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया, गोली बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए, और इसके बाद श्याम बिहारी लाल गया में, और ध्रुव कुमार जो है कटिहार में, और झुमराव में कपिल मुनि। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का दरभंगा में किया था नेतृत्व कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर को, मुख्य रूप से संचार व्यवस्था को डिस्टर्ब करने से संबंधित हैं ये दोनों। और सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल बना था। सियाराम दल कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज इत्यादि में। तो मेनली जो है ये बलिया वो वाला नहीं है, यूपी वाला नहीं है, कहाँ? बेगूसराय वाला बलिया है, ये याद रखिए। हाँ, तो यहाँ पर तो ये पूरा उसी आसपास का ही क्षेत्र है, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज, इसमें सियाराम दल का प्रभाव था सियाराम सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इसके इनके साथ कौन थे? एक और राम वृक्ष बेनीपुरी भी, जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए जयप्रकाश नारायण के साथ साथ प्रमुख नेता थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और बिहार में गांधी दिवस के रूप में 15 जून 1944 गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी दिवस के रूप में 15 जून 1944 अब गांधी जी के ये में और क्या, 15 जून अब क्यों बनाया गया ये चीज़ नहीं, वो फैक्ट है कि 15 जून में याद कर लीजिए। ठीक है, गांधी दिवस के रूप अब 15 जून को ही क्यों मनाया गया? तो बहुत सारा चीज़ है, हालांकि अब कुछ लोग तो पता है, ये भी याद करके रखे हुए हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, तो कुछ लोगों का मानना है कि उसमें इटली का जन्म दिवस था, लेकिन ये गलत धारणा है। हाँ, मतलब नहीं, कई बार मैंने सुना कि उसका बर्थडे था इटली का प्रधानमंत्री का, तो उसी में बोला गया बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए भारतीयों को। तो ऐसा फैक्ट लोग याद कर लेते हैं ना, बड़ी समस्या हो जाती है। अब किसी ने सुनाया तो मैं अब ये में पड़ गया, मैं भी सर्च करने लगा कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, और जब सर्च किया तो पाया कि वो गलत फैक्ट है, तो ये भी समस्या। आ इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में बोलते हैं लोग कभी कभी कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, ये लगता है कि हाँ, लेकिन तब मैं यही कहता हूँ कि मेरा ज्ञान सीमित है, और इसी सीमित ज्ञान से मैंने निकाल लिया है, तो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं निकाल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि आपको भी यूपीएससी 2010 में इंटरव्यू दिया था, 2008 में और 10 में फिर पीटी नहीं हुआ इसीलिए कि वहाँ पर सीसेट ले आया था, और वो सीसेट जो ले आया, सीसेट मैं कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये स्थिति थी। और यहाँ पर जो है अभी सिलेक्शन जो है बीपीएससी में सिलेक्शन है, एज अ प्रोबेशन ऑफिसर गृह विभाग बिहार सरकार, और वो 64वीं बीपीएससी में, अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिएगा तो इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम लोगों का यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग टीचिंग करने आ रहे हैं, तो हम लोग पैसा के लिए थोड़े ना आ रहे हैं। एक है कि एक अच्छा गाइडलाइन मिलना चाहिए। सर का भी जो एक प्रयास है, वो सर ने अपने लोगों में ही दिया है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब कि जो कोई भी है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट ना छूटे, ये सर का उद्देश्य है। और इसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारा तो प्रयास है कि ये मिशन 50 IAS हर जिला में स्थापित हो जाए, लेकिन कुछ बाध्यताएं हैं उस चीज़ को, जो कुछ बंदिशें हैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और आप लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए। सर जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप लोगों को भी योगदान देना चाहिए। तो कई बार है कि योगदान अपने स्तर पर जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार लोग काम करते हैं। कई बार होते हैं, जैसे मान लीजिए फाउंडेशन बैच में अगर लोग आ रहे हैं, तो अब है क्या कि बहुत लोग हैं मिसगाइडेड होकर इधर उधर चले जा रहे हैं, जहाँ तहाँ पैसा दे दे रहे हैं, तो उनको यहाँ से जोड़ना ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी है ताकि जो बाकी चीज़ें हैं, संस्थान चल रहा है,
तो सर इतना प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास को हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आप लोगों की भी मेहनत जरूरी है। चलिए, बिहार में गांधी दिवस 15 जून 1944 को मनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा सत्र में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो सब रट्टा मारे पड़े हुए हैं कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष बने, और इसके बाद दो दिन के बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और संयोग, ये संयोग है कि मेरा नाम सच्चिदानंद कुमार है और पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद है, ये एक संयोग ही है, ठीक है। तो देखेंगे कि अध्यक्षता में बिहार, हाँ, बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और बिहार के, अच्छा, बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में जयराम दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये तो सबको पता है, ये सब फैक्ट। और इसके बाद जो है बिहार भारतीय संघ का एक राज्य बन गया, बिहार की शासन विधि निर्धारित की गई। अच्छा, आप लोग को पता है ना कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय राज्य की चार कैटेगरी थी, ए बी सी डी। 1956 में जाकर के जो 14 राज्य बने, हालांकि 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश का रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, लेकिन बना था 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश। कहीं कहीं 6 था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसको लक्षद्वीप को अगर अलग अलग मानते हैं तो 6 हो जाता है, एक मानते हैं तो वह 5 हो जाता है। तो वही है कि ऑप्शन में आइदर 14-5 रहेगा और 14-6 रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहता है जब भी क्वेश्चन पूछा गया। कभी ऐसा नहीं रहा ना कि 14-5 और 14-6 दोनों दे दिया ऑप्शन में। अब दिमाग मत लगाइएगा अगर दे दिया तो, ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी दिमाग लगाने लगते हैं, तो ये नकारात्मक सोच है, ठीक है, तो ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना। और जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 4 प्रकार के राज्य थे, ए बी सी डी। बिहार एक प्रांत था, सेपरेट प्रांत बन गया था 1912 में, तो बिहार एक ब्रिटिश प्रांत था, तो कुल 9 ब्रिटिश प्रांत थे। ऐसे तो बोला जाता है कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे आजादी के पहले, जिसमें कि आजादी जब मिली तो दो चला गया पाकिस्तान में, 9 आ गया यहां पर। और ये याद रखिएगा कि 2 का विभाजन हुआ और इस तरह से पाकिस्तान में 4 चले गए, पाकिस्तान में 4 प्रांत बना, भारत में 9 प्रांत थे, लेकिन 9 × 4 = 13 होता है ना, ये 13 नहीं था, 9 × 2 = 11 था, उसी में 2 जो था पंजाब प्रांत जो था उसका विभाजन हुआ, बंगाल प्रांत था उसका विभाजन हुआ, तो इसीलिए पाकिस्तान में चला गया 4 प्रांत, यहां आ गया 9। और इसी में बिहार भी ब्रिटिश प्रांत का भाग था, तो ऐसे में बिहार जो है सो ए वर्ग में शामिल हुआ, ए वर्ग में, ब्रिटिश प्रांत को ए वर्ग में शामिल किया गया था, 9 प्रांत को ए वर्ग में शामिल किया गया था। और उसके बाद बाकी जो देसी रियासतें थी 539 + 3 = 539 + 3 पता है ना, 542, टोटल 542 जो देसी रियासतें थी उसको 2 भाग में बांटा गया, उसको 10 और 8 में विभाजित करके, और उसको क्या किया गया, उसको बी वर्ग और सी वर्ग बनाया गया, बी में था 10 राज्य और सी में था 8 राज्य, तो ए बी सी डी, डी में एकमात्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार किस कैटेगरी में था, तो ए कैटेगरी में था, ए वर्ग में था, ए राज्य में, ए राज्य का भाग था बिहार, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद एट लास्ट करते हैं, लास्ट खत्म हो गया, हाँ लास्ट है 1956, यही तो मैंने बताया था, 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए, और 15 नवंबर 2020 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में अलग कर पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो झारखंड राज्य बना है 15 नवंबर 2000 को, सबको पता है। तो ये हमारा जो है सेक्शन, जो मॉडर्न बिहार, मीडियवल और मॉडर्न बिहार अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, और उस पर जो पॉइंट्स जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उस पर आपको खुद से मेहनत करना चाहिए,
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में क्या है, उसके जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को जितना आप सर्च कर सकते हैं कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है। और रही बात की कई बार होता है कि कई चीजें होती हैं कि क्वेश्चन आंसर के क्रम में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे उसका फिर डिस्कशन होगा, उसका भी बेनिफिट होगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।